वेलकम टू बैक माय चैनल दोस्तों, आप लोग हमारा पांडे जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज हम आपको फिर से बताने वाले हैं कि आप अपनी यूट्यूब चैनल पर किस प्रकार से पार्टी स्टूडियो को चला सकते हैं, यूट्यूब स्टूडियो पर किस प्रकार से आप अपने वॉच टाइम को देख सकते हैं, व्यूज़ को देख हुआ, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो हम आपको अभी बताएंगे किस प्रकार से आप इस सारी चीज़ों को डिटेल से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने यूट्यूब में आ जाइएगा। जैसे ही आप अपना यूट्यूब ऑन करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा यूट्यूब है वो ऑन हो चुका है। यूट्यूब ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब जो आपका चैनल है उसको ओपन कर लेना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चैनल हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको योर चैनल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप योर चैनल पर क्लिक करते हैं, तो योर चैनल पर क्लिक करने के बाद जो आपका चैनल है यहाँ पर खुल जाता है। खुलने के बाद आपको क्या करना है, मैनेज वीडियो पर क्लिक करना है। यदि आप कोई भी वीडियो को मैनेज करना चाहते हैं, या ऐसा है कि किसी भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं, यहाँ से किसी भी वीडियो को आप एडिट भी कर सकते हैं। इससे आप हम सभी यहाँ पर एक वीडियो को आप एडिट भी करके यहाँ से दिखाएंगे। आप क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या क्या है, अगर आपको सिंपली एडिट करना है तो सिंपली एडिट आप एडिट के ऑप्शन क्लिक करेंगे। आप इससे आप क्या है, आप अपने कंटेंट को एडिट कर पाएंगे और जो आपका जो कंटेंट बना हुआ उसको एडिट कर पाएंगे। जो आपका जो डिस्क्रिप्शन में जो पड़ा है उसे भी आप एडिट कर पाएंगे। और आप यदि आपको जो है अपना थंबनेल रेडी करना है तो आपको क्या करना है, एडिट एडवांस सेटिंग इन स्टूडियो, स्टूडियो में जाकर के आपको एडिट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को एडिट करना है। यहाँ पे क्या करना है, एडवांस स्टूडियो क्लिक करते हैं। यहाँ से क्या है, हमें जो सारी चीज़ें हैं बहुत सी फैसिलिटी मिल जाती हैं जो आप सिंपली एडिट नहीं कर सकते हैं, स्टूडियो पर जाकर के एडिट कर सकते हैं। तो आपको दिखाएंगे यहाँ से क्या करना है, ये आप टाइटल को एंटर कर सकते हैं। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में कुछ पढ़ाना चाहते हैं या पहले से कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद हम आप बताते हैं कि उसमें क्या, बाद में ये सारी मैन के जो भी है पब्लिक के जो भी चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं आपको थंबनेल कैसे लगा चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो आप निशान देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है थंबनेल चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंज पे आप क्लिक करेंगे, तो चेंज पे क्लिक करने के बाद जो आपने फोटो पहले से बना रखे थंबनेल जो बना रखा है उससे आप सेलेक्ट करके यहाँ से कोई भी थंबनेल आप सेलेक्ट करके यहाँ से लगा सकते हैं। तो मुझे चेंज एक्चुअली करना नहीं है इसलिए मैं नहीं चेंज करूँगा। चेंज करना है तो फोटो क्लिक करके, क्लिक करने के बाद आप सेव कर दीजिएगा, वहाँ से आपका जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको हम बताएंगे, जो कि आपको मैं बता रहा था कि कितने वॉच टाइम हुए हैं, कैसे सब्सक्राइबर देखें, कितने हो गए, सारी चीज़ें अभी आपको मैं बताऊँगा कि वो भी कहाँ से आपको देखनी है। आप फिर से अपने YouTube चैनल में आ जाइएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हम फिर से अपने YouTube चैनल में आ गए हैं। एक्चुअली जो आप यहाँ बीच में देख पा रहे हैं इस पर आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख स्क्रीन देख पाएंगे कि सारी चीज़ें यहाँ पर जो हमारी आ चुकी हैं। ये देखिएगा व्यूज, ये जो 28 दिन का व्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद में यदि 28 दिन के ज़्यादा यदि आप देखना चाहते हैं तो क्या करना है, यहाँ पे जो है जो व्यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं वो 28 दिन का दिखता है, एक महीने का दिखता है, मतलब 28 डेज का। ठीक है, ये हमारा व्यूज़ दिख रहा है। यहाँ पे जो है हमारा वॉच टाइम दिख रहा है कि 1 मंथ में आपने वॉच टाइम कितना कवर किया है। ये है हमारा सब्सक्राइबर कि 1 मंथ में आपका सब्सक्राइबर कितना मिला हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर दिख जाता है। और उसके बाद में आपको और बता दें कि आप ये अब ये है 28 दिन का दिख रहा है। यदि आप चाहते हैं पूरे साल का देखें तो कैसे देखेंगे, तो आपको इजीली क्या है, इस पर क्लिक करने है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने का जो है आपका यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कितने दिन के लिए देखना चाहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है क्या, अब हम YouTube स्टूडियो में आ चुके हैं। अब YouTube स्टूडियो में क्या हुआ, कितना लोगों ने आप वीडियो देखी है, सारी चीज़ यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा जो है YouTube स्टूडियो ऑन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो YouTube स्टूडियो हमारा ऑन हुआ, अभी जो दिखा रहा है वो नहीं दिखा रहा है। अब क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर मांगेगा कि कब से कब तक का देखना चाहते हैं। तो ये आप जो है अभी हम दिखाएंगे आपको 7 डेज का हम देखना चाहते हैं, तो 7 डेज पर क्लिक करेंगे। 7 डेज पर क्लिक करके देखिएगा ये 7 डेज का हमारा केस हुआ गया कितना है। उसी प्रकार से आप 365 दिन का देख सकते हैं, सारी डिटेल से देख सकते हैं जो भी देखना चाहते हैं। उसके बाद में बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद क्या है,
अब यदि आप अपना देखना चाहते हैं कि आपका जो है वॉच टाइम कितना हुआ है, कि आपको 1 मंथ का कितना हुआ है, 1 साल का कितना हुआ है, अभी आपसे वॉच टाइम पर आप क्लिक करके जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद क्या है आप ये जून का दिखा रहा है, अब आप इसमें से कुछ भी देख सकते हैं। जैसे आप लास्ट टाइम 7 डेज का दिखा रहे हैं तो लास्ट का 7 डेज का यहाँ पे काउंट हो जाएगा कितना दिखा गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप से बैक आ जाइएगा। उसके बाद में क्या है, आप यहाँ पर सब्सक्राइबर आप देखना चाहते हैं कि 1 मंथ पर कितना हुआ है, यहाँ पर 1 मंथ का शो कर रहा है। फिर 1 मंथ के अलावा आप पूरे साल का देखना चाहते हैं या जितने भी दिन का आप देखना चाहते हैं वो जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप जैसे सब्सक्राइबर 1+15 लिखा हुआ है 55, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उससे आपको टाइम मांगेगा कितने दिन का आप देखना चाहते हैं। तो ठीक है, टाइम यहाँ पर जो जून का दिखा रहा है, जून के बाद क्लिक करना है, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसमें से कुछ भी देख सकते हैं। जैसे आप अभी आपको 7 डेज का दिखाएंगे, 90 डेज है, 28 डेज है, 7 डेज है, लाइफ टाइम है। जब भी जो इस मंथ का देखना चाहते हैं वो भी मंथ से कर दीजिएगा, उस मंथ का आपको दिखा देगा कितना आपको हुआ है, ठीक है। तो इस पर भी हम 7 डेज का दिखाते हैं। 7 डेज का दिखाया मैंने, 7 डेज का जो है वो जो 7 डेज का है वो 7 डेज का इसमें आपको दिखाई दे जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अन्य का भी देख सकते हैं। और भी आप दिखाएं, इसमें कंटेंट भी हमें दिखा देता है कि कंटेंट जो है हमारा फेमस कौन सा हुआ है। इस प्रकार से यदि आप अपनी वीडियो को वायरल करना चाहते हैं तो कंटेंट को बहुत ही कमाने लगता है कि आपकी वायरल होगी वो वायरल वीडियो वायरल हुई होगी। तो कंटेंट जो वायरल वीडियो आपकी पहले से वायरल हुई उसी कंटेंट पे आप लोग वीडियो बनाए ताकि आप लोग और भी वीडियो ज़्यादा वायरल हो। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें ताकि और लोगों को शेयर करें, और लोगों को भी जानकारी मिल जाए। यदि हमारे चैनल पर आप नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। और भी आपको बताएंगे कि पोस्ट लाइक से जो यहाँ पे जो शॉर्ट की लाइक है वो अलग दिखाता है, वीडियोज़ की लाइक अलग दिखाता है। जैसे हमने अभी शॉर्ट पे क्लिक किया, शॉर्ट की लाइक्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। अभी आप क्लिक करेंगे तो एवरेज में देखना चाहते हैं, ये जो है 28 डेज का दिखाई देता है। और भी साथ में देखना चाहेंगे 90 डेज का देखना चाहेंगे तो 90 डेज का भी दिखा देता है कितने लाइक आपको मिले हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपली है ये पोस्ट, आप पोस्ट देखना चाहते हैं पोस्ट भी आपको दिखा देंगे कि आपने जो पोस्ट किए हैं। आप पोस्ट वो लोग कौन कर सकते हैं क्योंकि नए यूट्यूबर हैं अभी वो पोस्ट नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली जो है ये पोस्ट जब ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद ही आप डाल सकते हैं। तो ये पोस्ट का ऑप्शन शो कर रहा है। आप अगर नए यूट्यूबर हैं तो आपके आप चैनल में पोस्ट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा होगा। ठीक है, तो सारी जानकारी यहाँ पर मैंने आपको दे दी है। और मेन चीज़ इस चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपको जो आपकी जो पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर वीडियो हुई हैं उनका कंटेंट कॉपी करके आप यदि वीडियो बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपकी वायरल हो पाएगी। यदि हमारी वीडियो ने आपकी कुछ मदद की हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ऑन करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको बार बार मिल जाए। हम ऐसी वीडियो बराबर बनाते रहते हैं ताकि आप हमसे जुड़ जाएँ और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो सके। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।